क्या आप जानते हो पूरी दुनिया में सर्दी खांसी जुखाम एक बड़ी समस्या है। बदलते मौसम के कारण गले में दर्द होना, खराश होना, काफ हो जाना, आंख में जलन हो जाना, ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या साइनस का कारण या ठंड लगने के कारण हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और नेचुरोपैथ। आज बताएंगे 3 घरेलू नुस्खा जिससे आप काफ एंड कोल्ड से बच सकते हो। 3 टिप्स टू गेट रीड ऑफ काफ एंड कोल्ड। इससे पहले क्या आप जानना चाहोगे ये इस समस्या के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं? सबसे पहले आपको सिर में दर्द हो जाता है, आंखों में जलन होता है, गले में दर्द होता है, कभी कभी गले में सूजन हो जाता है, गला खराब हो जाता है, गला में खराश आ जाता है, हाथ पैर दर्द होने लगता है, शरीर में भारीपन लगता है, इसके चलते कभी कभी बुखार भी आ जाता है। इसीलिए इस संक्रामक रोग के लिए ये टैग बिल्कुल फिट बैठता है। इलाज से बेहतर है बचाव। तो आइए जानते हैं 3 घरेलू नुस्खा जो रामबाण साबित हो सकता है। अभी जान लेते हैं नुस्खा नंबर 1, अदरक का चाय। जैसे कि आप जानते हो अदरक जो है एक एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। इसके कारण एक गले में दर्द, छाती में दर्द और सर में दर्द का राहत दिलाता है और जो छुपा हुआ वायरल है उसको खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले अदरक का चाय बनाने के पहले आप थोड़ा सा पानी को गर्म करें, फिर उबालता हुआ पानी में 1/2 इंच अदरक को कद्दूकस करके उसमें डालें, 2 मिनट के लिए उसको पकने दें, फिर उसको ठंडा करके टाप में डालें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें, फिर उसको मिक्स करके आप सुबह एक बार और शाम को एक बार पी लें, ऐसा 3 दिन पिए। वाह क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख सके, और आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी नंबर 2 पे आते हैं, एक सिरप, शहद वाली सिरप। 1 चम्मच शहद ले, उसमें 1 चुटकी इलायची का पाउडर डाले और 5 से 6 बूंद नींबू का रस डाले, फिर इसको मिक्स करके सुबह और शाम को पी लीजिए, ऐसा 3 दिन करें, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन जो लोग डायबिटीज या शुगर बीमारी से पीड़ित है वो लोग शहद ना ले। शहद लेने से पहले आप अपना डॉक्टर से जरूर सलाह लें। डायबिटीज के लिए आप अगर जानना चाहते हो कौन सा फल ना खाए तो प्लीज ये वीडियो देख ले। अभी आपको कुछ स्पेशल टिप्स बता रहे, आप गुनगुना पानी पीते रहिए, आपको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालिए और इससे गरारे कीजिए सुबह शाम, आपको गले का खराश, गले का दर्द आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर नाक बंद होने का स्थिति में आप गर्म पानी में थोड़ा सा भिक्स डालिए और इसे भाप लीजिए सुबह शाम 2 टाइम, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। कुछ खान पीन है उससे आपको बचना चाहिए, जैसे कि तेज मसाला वाला खान पीन, डेयरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए, आपको 6 से 7 घंटा का बराबर नींद लेना चाहिए, गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए, यही सब चीज कीजिए आपको तुरंत आराम मिले। अभी 3 नंबर टिप्स है लहसुन का कड़ा। थोड़ी सी पानी उबाल ले, उसमें 3 से 4 कलियां लहसुन डाले, फिर उसको पकने दे, फिर ठंडा होने का बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिलाए, फिर उस कड़ा को छान के आप पी लीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। जो लोग सूखा खांसी से पीड़ित है उसमें आपको रामबाण का जैसा काम कर। ऊपर बताए हुए जो भी नुस्खा है ये 3 दिन तक इस्तेमाल करें। आपका आराम ना मिलने का स्थिति में आप नजदीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल में दिखाएं। अगर जो लोग लिवर को ठीक करना चाहते हो तो कृपया करके ये वाला वीडियो देख ले। हमारा और एक चैनल है मेडिसिन रिलेटेड, फार्मासिस्ट कुंडू जी। मेडिसिनल अपडेट के लिए आप इस चैनल को देखें, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेल्दी टू माइसेल्फ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं जी आपका इनमें से कौन सा टिप्स अच्छा। धन्यवाद।